तो अब करते हैं चेक इन, और हमारा सूट है 455। तो आज आपको दिखाते हैं हम ताज पैलेस का एक्सपीरियंस। कम गाइस, प्लीज हैव अ लुक। अगर आप अपनी बैचलर्स प्लान कर रहे हो, अगर आप कोई गेट टुगेदर पार्टी फ्रेंड के साथ कुछ भी करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव विद योर फैमिली। आप पूरा फैमिली कर सकते हो। और ये पता है, ये देख, ये दो रूम सेम क्लब्ड है, ठीक है। आप ये भी ले, मतलब कि क्लब भी ले सकते हो, मतलब दोनों रूम एक साथ ले सकते हो। आप देख सकते हो ये डाइनिंग एरिया है, ये है लिविंग एरिया एंड दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया। ऑफिस का काम करना है, ऑफिस के लिए भी प्लेस है, अलग से डेस्क है। और भाई ये हमारा लगेज रूम है, आप इसके अंदर लगेज रखिए, सेफ पड़ा है, सब चीज़ें पड़ी हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही एक्चुअली इस सूट में कि जो चीज़ की कमी हो एक्चुअली में। एंड दिस इज़ आर बेडरूम। ये है हमारा घर एक दिन के लिए, आज 24 घंटे के लिए ये हमारा है पूरा। एंड द मेन पार्ट बाथरूम, जी हाँ, आप देख सकते हो कितना लग्जरियस है ना भाई ये एक्सपीरियंस, जो आई थिंक यू शुड प्लान सम टाइम। क्योंकि कोविड के चक्कर में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बट अब निकल सकते हो। और जितनी भी आपकी कमियां थी ना, मतलब जो अंदर से लाइक क्या बोलूँ मैं कि भाई बाहर जाना है, बाहर जाना है, घूमना है, वो आप यहाँ पे आके पूरी कंप्लीट कर सकते हो। जो क्रेविंग थी खाने की, वो बढ़िया बढ़िया खाना खा सकते हो यहाँ पे रूम पे बैठे। क्योंकि अब हम करने वाले हैं लंच ऑर्डर, और आपको दिखाएंगे लंच में क्या मंगवाया हमने। ये देख भाई, इधर भी गेट है, काफ़ी स्पेशियस है और कोई चीज़ की कमी नहीं लग रही। आप देख सकते हो कि एकदम लग्जरी, जिसे कहेंगे ना इट्स अ लग्जरी ब्रांड, क्योंकि ये ताज पैलेस है। ताज पैलेस कहाँ पर है? ये चाणक्यपुरी वाला है, जो धौला कुआं पे है, वो वाला है। व्यू कभी किसी होटल में अच्छा नहीं मिला, बट यहाँ पर हमारे को आप देख सकते हो व्यू कितना तगड़ा है, सुपर गुड। और आज तो मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है बारिश का। और आज के लिए वाइन की बॉटल हमारी, आज हम वाइन भी पियेंगे, खाना खाएंगे बढ़िया, और सुबह ब्रेकफास्ट, रात को डिनर, सब चीज़ दिखाएंगे आपको। और आप खुद बताना कि ये एक्सपीरियंस एक्चुअली में इज़ इट वर्थ और नॉट। अब करते हैं फूड ऑर्डर। तो ये देखो भाई, हमारा फूड आ चुका है, परफेक्ट। ये रही जी हमारी कैपेचिनो, साथ में दिया है ये मैश पोटैटो है। ओहो मन्नी पारी। तो अब निकालते हैं फूड, टेबल पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं टेस्ट करके कि एक्चुअली में डाइनिंग इन रूम क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई करें स्टार्ट, आ जाओ सर। तो ये है जी हमारा चिकन कॉन्फिट विद चिकन ब्रेस्ट, साथ में सॉटे वेजिटेबल, ब्रोकली, मशरूम, एंड दिस वन इज़ फिश एंड चिप्स, दिस वन इज़ मुर्ग मलाई टिक्का। इनका इसका नाम कुछ और है, मैं बताऊंगा बाद में आपको। एंड ये है जी हमारा तंदूरी चिकन, क्योंकि थोड़ा सा रोस्टेड ज़्यादा मंगवाया एक्चुअली, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो ईटिंग हेल्दी फूड एंड ऑल। कॉफ़ी है, सब कुछ है। अब हम करते हैं शुरुआत, टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं भाई कि एक्चुअली में कैसा है टेस्ट और क्या एक्सपीरियंस एक्चुअली, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, ये बहुत अलग चीज़ है। लग्जरी फूड, अमेजिंग एट लग्जरी प्रॉपर्टी। दिस इज़ रियली अमेजिंग, रियली। आपको वैसे पता क्या है, कोविड के बाद जब से अनलॉक हुआ है, कोविड तो अभी भी है, जब से अनलॉक हुआ है तो हर एक बंदा ना दिल्ली से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा मनाली वगैरह हर जगह इतना ज़्यादा जैम पैक हो चुकी है वो जगहें, और वहाँ पर जाना इतना रिस्की हो चुका है। जब तक कि अब खाली नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रोग्राम बनाएगा जो पिक्चर इतनी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बट मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर आर सिटी लाइक अ टूरिस्ट। मतलब दिल्ली में रहते हैं और इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, इतना बढ़िया स्वीट, आप देख सकते हो कितना बढ़िया स्वीट है, इतना बढ़िया होटल है, फूड इतना बढ़िया है, तो व्हाई डोंट यू प्लान फॉर दिस प्लेस। मतलब मैं कह रहा हूँ कि नॉट फॉर कि ये नहीं बोल रहा हर किसी को प्लान करना चाहिए अपनी सिटी में, बट आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर योर सिटी लाइक अ टूरिस्ट, जैसे हम कर रहे हैं। वीकेंड तो बनता है बॉस, और एक मच नीडेड ब्रेक है आफ्टर दिस लॉकडाउन, तो चेयर्स फॉर दैट। मैं तो भैया मतलब सोच रहा हूँ कि अपनी बैचलर्स यहीं पर दे रहता हूँ, है मनी। बैचलर्स अपनी यही प्लान कर सकते हैं हम, ताज पैलेस जो हमारा धौला कुआं में है। प्लान करो और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा जब भी आप यहाँ पर आओ।
शाम को दिखाऊंगा मैं आपको कॉफ़ी की प्लेस पूल साइड। ओहो, मतलब वो नज़ारा ही कुछ और होगा। हम इसे ख़त्म करते हैं, आपको मिलते हैं शाम को, थोड़ा नैप लेंगे, सोएंगे थोड़ी देर ये खाना खाने के बाद। शाम को मिलता हूँ आपको मैं सीधा कॉफ़ी पे। हेलो, अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनका इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि इतना टेस्टी, इतना बढ़िया खाना बनाता है कि आप मतलब कि जब आपको रूम में डाइनिंग करेंगे ये वाला भी, बट मैं नीचे आपको रेस्टोरेंट दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में कि फ़ूड कैसे बनता है। तो चले चलते हैं और शेफ से मिलते हैं कि आज के मेन्यू में स्पेशल क्या है। तो ये रहे हमारे आज के शेफ, शेफ गगन। और शेफ क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए? आज हम बना रहे हैं गलौटी कबाब। गलौटी कबाब, वाह भाई, गलौटी स्पेशलिटी है। हाँ, गलौटी कबाब का मींस है जो हम 6 से 7 बार निकालते हैं पहले। हाँ, उसके अंदर डिफरेंट तरह के मसाले डाले जाते हैं, जैसे बड़ी इलायची का पाउडर, जावित्री इलायची, बहुत सारे मसाले जाते हैं, एक तरीके से भी कह देते 128 मसाले डालते हैं। ओ भाई साहब। और इसको फिर हम बाद में इसको स्मोक करते हैं, तो कहते हैं धुआं, कोयले और क्लोव पाउडर डाल के। अच्छा, क्या बात है। और ये आप देसी घी के अंदर बना रहे हैं? ये गलौटी कबाब हम प्योर देसी घी के अंदर बनाते हैं, जिसका फ्लेवर ज्यादा देसी घी के अंदर आता है। दैट्स नाइस। तो ये देखो भाई, एकदम फ्रेश गलौटी कबाब आपके सामने बन रहे हैं। और ये देख मन्नी, ये मैं बैठा, मतलब ये सोचो कि यहाँ पे बन रहा है और गर्मा गर्म सीधा सर्व होगा प्लेट में। व्हाट अ व्यू गाइस। मसाला आर्ट, ये रेस्टोरेंट है इनका, इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको इतना बढ़िया खाना मिलेगा, जैसे बता रहा था मैं कि उंगलियाँ चाट जाओगे। सिर्फ मैं अंदर यहाँ बैठा हूँ और अंदर खाना बन रहा है और इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक 5-स्टार होटल का जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो एक्चुअली हमारे को बाहर किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाता। बट वही चीज़ है, देखो हाइजीन को एकदम मेंटेन रखो, हर एक चीज़, ग्लव्स पहन के चीज़ें बनाई जा रही हैं, मास्क पहना हुआ है, हेयर कैप पहना हुआ है, हर एक चीज़, वो चीज़ जो एक्चुअली में आजकल हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हो भाई, देसी घी के अंदर इतने बढ़िया तरीके से इसको शैलो फ्राई किया जा रहा है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मटन कीमा जो ये है, जिसको अच्छे से पीस के बनाया गया है, तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे गलावट कबाब कहते थे। ठीक है, कि पहले के महाराजा जो ये खाते थे, तो उनको मतलब कि विद बोन वाला ना एक्चुअली पसंद था गोश्त, तो उनके मुंह में छाले हो गए, तो प्रॉब्लम हो गई, तो उनको खाना है भाई मटन। तो उनके खानसामा जो होते थे उस टाइम पे, जो शेफ़ हुआ करते थे, उन्होंने ये निकाला था, इसका इजाद किया था कि मटन को अच्छे से पीस के उसमें मसाले वगैरह डाल के ऐसी चीज़ बनाई कि मुँह में डालते ही ना घुल जाता था, तो उसे कहा जाता था गलावट कबाब। तो ये गलौटी कबाब, लखनवी गलौटी कबाब हैं और इतने बढ़िया तरीके से बन रहे हैं आपके सामने कि मज़ा आ जाएगा भाई। मैं तो मन्नी रूम में ही डाइनिंग करूँगा। ठीक है, अब ये हमारे बन रहे हैं, बाकी चीज़ों का ऑर्डर भी मैं दे चुका हूँ, सीधा आपको रूम में दिखाऊँगा कि क्या क्या बना है, क्या क्या मंगवाया और कैसा है टेस्ट। अब चलते हैं सीधा ऊपर, लेकिन ऊपर जाने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर लोग शाम की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं एक्चुअली में, पूल के सामने। तो चलें एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ और ऊपर रूम में चलते हैं, जब तक शेफ हमारे लिए खाना बनाते हैं। चलिए, क्या वेदर है भाई आज, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ जवाब ही नहीं है। और आप सामने देख रहे हो कि बाहर टेबल्स लगे हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो आप व्यू देख रहे हो ना, यहाँ पे बाहर लगते हैं टेबल्स और बंदा इंजॉय करता है भाई फूड। यहाँ पे वाइन कुछ भी आपको लेना है, आप आराम से बैठ सकते हो। और स्पेशली कपल्स वगैरह के लिए ना, ये लोग यहाँ पे कबानास भी लगाते हैं जस्ट अराउंड द पूल। आप देख सकते हो, ये एक पूल देख, इतना प्यारा है पूल। तो फिलहाल अभी बंद है, पूरे इंडिया के अंदर बंद है बिकॉज ऑफ कोविड, बट द व्यू एक्चुअली वो अपने आप ही बोलता है एक्चुअली। और मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरे होटल का व्यू, जिसकी वजह से ना भाई, मतलब कि आप अगर देखोगे ना, आप बोलोगे भाई बुक कर जल्दी, करन जल्दी बुक कर। तो चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ वो व्यू और उसके बाद सीधे चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि खाना आने वाला है और मुझे लग रही बड़ी जोर की भूख। एक चीज़ और है वो मैं बाद में बताऊँगा, चलिए। तो ये है भाई वो सेक्सी व्यू एक्चुअली में, जिसकी वजह से मेरा मन करता कि भाई नहीं, ताज में ही रुकना है, ताज में ही रुकना है। और भाई सबसे बड़ी बात बोलूँ ना मैं, कि इस कोविड के लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा बोर हो गए ना लोग घर पे, कि अब लोग क्या है, लोग ना प्लान कर रहे हैं दिल्ली से बाहर जाने का, जैसे मैंने आपको बताया। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दिल्ली को ही एक्सप्लोर करो एज ए टूरिस्ट, और मानो ना मानो इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं ना दिल्ली के अंदर, कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हो इतना बढ़िया सेक्सी व्यू, और जो सामने देख रहा है मन्नी, वो सामने रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर लगता है सुबह ब्रेकफास्ट बुफे, आप बैठो, शाम को चाय पियो, कॉफ़ी पियो अपने किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी मतलब कि लव्ड वन के साथ,
तो चले आ जाओ, दिखाता हूँ आपको मैं कि डिनर में क्या है। तो भाई आप ये देख सकते हो खाना आ चुका है हमारा, मसाला आर्ट से जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था। लुक एट दिस गाइस, ये है जी नल्ली निहारी। अब पीस देखो भाई, मतलब क्या चीज़ है यार, है ना। और ऊपर से जतिन रूम का एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस आपको और कहाँ मिलेगा ये बताओ। ये देखो भाई, ये है जी बटर चिकन, बढ़िया से एकदम थिक ग्रेवी है, कोई मतलब पानी की तरह ग्रेवी नहीं है। दाल मखनी की आप वो देखो, थिकनेस देखो दाल मखनी की, आप क्या खुशबू आ रही है। ये है जी तंदूरी ब्रोकली, जो कि स्पेशली मन्नी ने मंगवाई है। और साथ में है रायता हमारे पास, दिस वन इज सैलड। और ये भाई जो आपके सामने गर्मा गर्म देसी घी में बन रहे हैं हमारे मटन गलौटी कबाब लखनवी। ओहो, तो पहले शुरुआत करते हैं हम इसी से ही, लखनऊ से ही शुरुआत करिए। एक नींबू लेते हैं, थोड़ा सा सैलड लेते हैं, थोड़ी सी चटनी दे दो। ठीक है जी, आप चटनी लो सर, चटनी दे दो थोड़ी सी। एक सेकंड भाई, ये देख, लुक एट दिस, थोड़ा सा नींबू डालेंगे और ये मुंह में घुल जाए बस, इसीलिए इसको हम गलावट कबाब कहते हैं, गलौटी कबाब। फ्लेवर मेरा गाइस, ये रहे कितना बनी तरह, मैं ये देखो दिखा रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस, देख रहा है। ये चीज़ है, ये चीज़ है वो एक्चुअली में जो आपको बता रहा हूँ, एकदम मुंह में आके फट से लग रहा है। देख ओए होए भाई साहब, देख रहा है मन्नी, लुक एट दिस मटन बिरयानी, मटन बिरयानी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ बिरयानी। ये देख ओ भाई साहब, तो भाई अब भूख लग रही है, अब जल्द डाल यार, शक्ल किसकी देख रहा है, देखो भाई साहब, लो कटोरी आपके हाथ में है, डालो यार। ये देख ओ हो हो, लुक एट दिस गाइस, ये देख ओ भाई साहब, भाई मतलब हम तो इसे खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप जल्दी से प्लान बनाओ ताज में रुकने का, और अपनी फैमिली को बताओ यार कि यही टाइम है एक्चुअली में अब रुकने का, और इंजॉय करो विद फैमिली। मैं इसे ख़त्म करता हूँ, बट अभी कहीं जाइए मत, क्योंकि अभी तो सुबह का ब्रेकफास्ट करना है आपको। सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट में, और दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट बूफे में एक्चुअली क्या क्या है ताज पैलेस में। तो भैया जी, अब बारी आ गई है हमारी ब्रेकफास्ट की, और ये है हमारा लास्ट मील, बट वी विल डेफिनेटली मिस दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि देख रहे भाई कितना ही शानदार स्वीट है। और अब हम आपको नीचे दिखाने वाले हैं इनका ब्रेकफास्ट बूफे कि क्या क्या वैरायटी है, कैसा टेस्ट, और सबसे बड़ी चीज़ व्यू। चलिए, सो हेयर वी कम एट कैपिटल किचन, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो ब्रेकफास्ट बूफे, लंच, डिनर एंड इवनिंग कॉफ़ी। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर की बूफे में क्या क्या है आज। चलिए, तो ये देखो भाई, सिटिंग है बैठने की बढ़िया तरीके से, आउटसाइड सिटिंग भी है, हम बाहर बैठ के खाएंगे क्योंकि बाहर का व्यू ही अलग है। तो एक बार अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में एक्चुअली में आज क्या है हमारे पास। तो ये है जी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं, अब पास आ जाएगी दिखा दे ये। मॉर्निंग, तो आज क्या बना रहे शेफ? कचौरी। कचौरियाँ, अरे बाप रे, आलू का पराठा मिलेगा, पनीर पराठा है, ये शेफ़ स्पेशल लिखा हुआ है, पनीर पराठा, पूरी भाजी एंड कचौड़ी। ये देखो कचौड़ियाँ भी एकदम गर्मा गर्म बन रही हैं, और प्लेटिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि लोग अब खाना स्टार्ट हो गए हैं। आगे आ जा, ये है जी इनका साउथ इंडियन, यहाँ पर आपको मिलेगा इडली, इडलीज मिलेंगे एकदम फ्रेशली बेक्ड इडलीज। ये है जी सांभर बढ़िया सा, और फ्रेश डोसाज बनेंगे, उत्पम, सब चीज़ जो आपको चाहिए एक्चुअली ब्रेकफास्ट के अंदर ना, साउथ इंडियन स्पेशली। साउथ इंडियन तो एक ऐसी चीज़ है कि हर एक बंदा ब्रेकफास्ट में ट्राई कर ही लेता है। और ये है जी हमारा फेवरेट, पैनकेक्स मिलेंगे आपको रिक्वेस्ट पे, वॉफल्स चाहिए मिलेंगे एग ऑन रिक्वेस्ट, आपको वाइट एग ऑमलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको यहाँ यहाँ पर मिलेगा, और शेफ़ एकदम बनाएगा। हर किसी ने हेयर कैप पहन रखा है, मास्क पहन रखा है, सुपर गुड। एंड दिस प्लेस इज़ फॉर बेकन, एंड हेयर इज़ द शेफ। हाई शेफ, हाउ आर यू? वेरी वेल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या स्पेशल मतलब हम ट्राई करेंगे ये बताओ। You can try the pancakes. Pancakes, okay. You can make it over the live. You can have a dosa, kachori,
कचौरी कचौरी लुक्स अमेजिंग. इज इट अ दाल कचौरी और प्याज कचौरी? मटर कचौरी. मटर कचौरी, ओके. वाओ, सो वेरी नाइस. मोस्ट ऑफ द गेस्ट गिव द फीडबैक इट्स एक्सीलेंट कचौरी. ट्राई अदर आर डोसास चोसा का लाइफ ऑफ पराठा. नॉर्थ इंडिया इतना तो नहीं खाएंगे, बट दिखाता हूं आपको मैं. पिकल विद होममेड. तो ये देखो भाई, बाकी चीजें भी आ गई हैं. फ्रूट्स हैं आपके, फ्रेश सीरियल्स हैं आपके पास. अगर आपको योगर्ट लेना है तो आप योगर्ट ले सकते हो, और मिल्क है, लस्सी है. ये आ गए अपने कॉर्नफ्लेक्स, आ गए डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स. यहाँ पे आपके कोल्ड आइटम्स आ जाएंगे, स्मोक चिकन, सैलेड, जो भी आपको बनाना आप खुद बना सकते हो, जो भी आपको कस्टमाइज़ करना आप खुद कर सकते हो. फ्रेश ब्रेड्स हैं, हर एक चीज़ एकदम फ्रेश बनी हुई है आपके सामने. लुक एट दिस, आलू की सब्ज़ी है, कचौड़ियाँ एकदम गरम गरम आपके सामने निकल के आई है. एंड दिस वन इज़ साबुदाना खिचड़ी. और जितने भी अचार चटनीज है ना, ये सब कुछ इन हाउस होता है, यहीं पर ही बनते हैं. वड़ाज है, वर्मसिलीज है. मैं आई थिंक बोल के थक जाऊँगा मैं, तो ऐसा करते हैं हम प्लेट लगाते हैं और दिखाते हैं आपको मैं कि खाना टेस्ट कैसा है, और आपको बाहर का व्यू मेन दिखाना है. चलिए भाई, एकदम मतलब चीज़ एकदम ऐसी कि मज़ा आ जाए. हेलो, तो भाई आप देख सकते हो भाई, व्यू देखो, टेबल देखो, और ये वाइट एग ऑमलेट. सुपर, बहुत बढ़िया. और ये है जी उनका मसाला डोसा, जो कि शेफ़ स्पेशली बोल के गए कि प्लीज़ ये डोसा हमारा ट्राई ज़रूर करना. तो उनके रिकमेंडेशन पे हम ट्राई करते हैं. ये देखो भाई, शेफ ने एक बार सही बोला थी कि इसका रिपीट ऑर्डर आएगा, और वाकई में बहुत बढ़िया है. ये देखो भाई, मतलब कचौड़ी आ गई है. ये मटर की कचौड़ी है, एकदम फ्रेशली कुक मटर की कचौड़ी, साथ में आलू की सब्ज़ी. हम इसे इंजॉय करते हैं और सीधे ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब पैकिंग करनी है. सबसे गंदा टाइम है ये, क्योंकि हमारे को अब चेकआउट करना है. जाने का. चेकआउट करना है, जो कि हम चाहते नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, आपके लिए ऐसा ही एक्सपीरियंस और लेके आएंगे बहुत जल्द. बने रहो वीडियो के साथ. कुछ ज़्यादा ही खा लिए लग रहा है. बोले बोले कि भाई, बुफे होता है ना जब, तो वैरायटी होती है. टेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा खा के ना बंदा पूरा खा लेता. बट सीरियसली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ऐसे एक्सपीरियंस हमने पहली बार किया शायद वीडियो के अंदर. तो बस अब मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लान करो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. एंड ये एक्सपीरियंस जो सा है ना, एक्चुअली में ये लाइफ में एक बार तो ज़रूर लेना चाहिए बस. सीरियसली है ना, लग्जरी एक्सपीरियंस एक्चुअली में. तो मिलते हैं आपको जल्दी से एक नए एक्सपीरियंस के साथ. ऐसा ही कुछ लेके आते हैं लग्जरी के अंदर, और बहुत जल्द मिलेंगे आपको दोबारा से एक बार. बाय बाय बाय. और एक आखिरी शॉट तो बहुत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि ये वोडका की बोतल है, ये पानी की बोतल है, ये ताज की पानी की बोतल है. ठीक है ना, हम शराब पी ले आते हैं यहाँ पे. मिलते हैं भाई जल्दी से एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द. बाय बाय बाय.